हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड भुवनेश्वर से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओडिशा कोल पावर लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, आइए देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी गई है। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर OCPR/HR/2022/05 दिया गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ माइंस के लिए E8 ग्रेड की वैकेंसी 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर सर्वे के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री में भी 1 है, फिनांस में भी 1 है, ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। एंड हेड ऑफ माइंस के लिए यहाँ पर मार्केट बेस्ड सैलरी मिलेगी, जबकि असिस्टेंट मैनेजर सर्वे के लिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सर्वे केमिस्ट्री फिनांस के लिए 56,000 से लेकर 1,77,500 को सैलरी मिलेगी, ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए 26,400 लेकर 83,600 सैलरी है। हेड माइंस के लिए 22 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, एंड जबकि सर्वे केमिस्ट्री एंड फिनांस में 20 ईयर का, अकाउंट्स के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड देख लेते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हेड ऑफ माइंस के लिए आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए माइनिंग में, क्योंकि फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 22 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है सेंट्रल या स्टेट PSU में या लीडिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। असिस्टेंट मैनेजर सर्वे के लिए यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा इन सर्वे या माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। केमिस्ट्री में यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री के लिए MSc केमिस्ट्री में मांगा गया है, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर फिनांस के लिए यहाँ पर एसोसिएट या फेलो मेंबर ICAI या ICWAI में होना चाहिए, साथ ही 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए यहाँ पर सिंपल BCom मांगा गया है या ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड एज क्राइटेरिया यहाँ पर 2 नवंबर 2022 से काउंट की जाएगी, मिनिमम 21 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू ही होने वाला है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें भी आपकी चेक की जाएंगी। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हें 1 ईयर के प्रोबेशन पीरियड पर रहना होगा, उसके बाद आप जिस ग्रेड पे आपका सिलेक्शन, सैलरी ग्रेड दी गई है उस ग्रेड पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन ही करना है, 2 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर 2022 के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दी नहीं गई है एंड आपको आपका हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, एंड 7 दिसंबर 2022 हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है। एंड हार्ड कॉपी आपको जनरल मैनेजर CNCA ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड जोन ए ग्राउंडपुर फॉर्च्यून टावर्स चंद्रशेखरपुरा भुवनेश्वर ओडिशा 75023 पर सेंड करना है, जो कि आपका 7 दिसंबर 2022 से पहले पहुँच जाना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।